अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढ़भूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम् वितर्क विचारांद आनंद स्मितानुरूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम् श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम् तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदु मध्यातिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानात्वा क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम् सपूर्वेषामपि गुरुः कालेन नवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराय अभावाश्च हम इस 29वें श्लोक का 29वें सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि भगवान के नाम के जप से प्रत्येक चेतन की अधिगमन होता है, यानी अंतर्मुखी वृत्ति होती है या आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है और अंतरायों का अभाव होता है, आध्यात्मिक जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। और हमने पिछली बार यह देखने का प्रयत्न किया था कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में कितनी प्रकार की बाधाएं हो सकती हैं। हमने देखा था कि कुछ बाधाएं तो हमारे स्वभाव में ही निहित हैं, हमारी अपनी आध्यात्मिक भौतिक और मानसिक सीमाएं हैं। हम अधिक देर तक बैठ नहीं सकते, हमारा मन चंचल है, आहार निद्रा भय इत्यादि की समस्याएं हैं और इन सब पर नियमन प्राप्त करना कठिन हो जाता है। यही सामान्य बाधाएं बहुत से लोगों को अपने जीवन में सहन करना पड़ता है। और मैंने यह भी कहा था कि महापुरुष लोग इन बाधाओं को दूर करने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, आहार नहीं करते, जागते हैं, नाइट विजिल्स रखते हैं। श्री रामकृष्ण 6 वर्ष तक नहीं सोए, सूफी संतों की जीवनी में आती है बातें कि 40 वर्षों तक नहीं सोए। किंवदंतियां लगती हैं, परियों की कथाएं लगती हैं, फेरी ट्रेल्स लगती हैं, क्या हुआ था कि नहीं। लेकिन इन बेसिक बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत प्रयत्न लोगों ने किया। और फिर मैंने आपको कहा था हमारे एक बाबा जी जिनके यहां पर हम तपस्या करते थे, वो कहा करते थे ये कुतियाएं हैं, भूख लगी, प्यास लगी, लघु शंका, दीर्घ शंका और निद्रा,
इनको थोड़ा थोड़ा सेटिस्फाई कर लो, ये कुतियां हैं भौंकती रहती हैं, इनको सेटिस्फाई करो, चुप रहेंगे। तो दीज आर बेसिक प्रॉब्लम्स विथ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये बाधाएं हैं। दूसरी बाधाएं हैं रिएक्शंस के रूप में, और प्रत्येक के जीवन, प्रत्येक साधक के जीवन में आती हैं, जो अपने शरीर और मन को संयमित करने का प्रयत्न करता है। हमारे जीवन में संयम का अभाव है, ट्रेंड हम बचपन से नहीं हैं, और इसलिए जब हम करना चाहते हैं तो शरीर और मन रिएक्ट करते हैं। कभी कभी बीमारी हो जाती है, कभी कभी बहुत सारे मेंटल सबकॉन्शियस से बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे विचार, हमारी डिजायर सब आ जाती हैं, और एक तीव्र अंतर्द्वंद पैदा होते हैं, और कभी कभी तो इतना कठिन होता है कि कुछ लोग छोड़ देते हैं। प्रत्येक साधक को एक तीव्र मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, अपने परिवार से संबंध तोड़ना पड़ता है, भगवान से संबंध लगाना, तो संसार के लोगों से, माता पिता से, बंधु बांधवों को मानो शत्रु समझना पड़ता। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि जो भगवान की तरफ जाता है तो उसको अपना घर जो है वो एक अंधे कुएं के तरह लगता है, और परिवार के संबंधी जिनको बहुत प्यार किया था, बहुत घनिष्ठ थे, वे अब नाग सर्प जैसे लगते हैं। ये रिएक्शंस होते हैं, एक ये स्थिति से सबको पास होना पड़ता है, उसके बाद में उनसे पुनः संबंध स्थापित होता है। ऐसा नहीं कि केवल तोड़ना ही तोड़ना है। मैंने एक दृष्टांत दिया कि हम संसार में बहुत सारी चीजों को प्रेम करते हैं, बहुत सी वस्तुओं को हमने महत्व दे रखा है, हमारी वैल्यूज को परिवर्तित करना पड़ता है, और इसके लिए काफी अनिश्चितता के दौर से एक साधक को गुजरना पड़ता है, एक योगी को गुजरना पड़ता है। कुछ लोग गिरते पड़ते करते जाते हैं, बहुत कम लोग उसको पकड़े रह सकते हैं। तीसरी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, उनके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। ये दो बाधाएं जैसे मैंने कही, ये तो नेचुरल हैं, सभी को सहन करनी पड़ती हैं। कुछ बाधाएं हैं हम अपने आप क्रिएट करते हैं, जैसी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसको पालन नहीं करते। स्वयं श्री राम कृष्ण अपने शिष्यों से कहा करते थे, देखो मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। उदाहरण है स्वामी योगानंद जी को, उन्होंने कॉकरोच दिया, एक कॉकरोच जो घर में निकलता है उसको पकड़ के श्री राम कृष्ण ने दिया और कहा कि इसको बाहर जाके मार दे। वे बाहर गए और उसको छोड़ दिया। श्री राम कृष्ण ने पूछा, मार दिया क्या? तो कहे नहीं मनु, उसने छोड़ दिया, मारा नहीं। श्री राम कृष्ण ने कहा, जैसा कहा वैसा करना। लगता है कि श्री राम कृष्ण ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए योगानंदी अत्यंत कोमल प्रकृति के थे, उनको थोड़ा कठोर बनाना था। अब छोड़ना, दूसरे किसी व्यक्ति को श्री रामकृष्ण कहते उसको छोड़ दे, या अंदर घुस जाते हैं सब गड़बड़ करते हैं, उसको बाहर छोड़ दे। उनको उन्होंने निश्चित कहा कि तुम कठोर बनना पड़ेगा, और कहा कि अगर गुरु की बात पूरी पूरी नहीं मानेगा तो कष्ट पाएगा। हम भी क्या करते हैं, योग के में हम अग्रसर होना चाहते हैं लेकिन योग के जो पूरे नियम हैं उनको पालन नहीं करते। अधिक खाना, अधिक सोना, अत्यधिक बातचीत करना, व्यर्थ समय बर्बाद करना, व्यर्थ का साहित्य पढ़ना। याद रखिए, योग अगर सीरियसली प्रैक्टिस करना हो तो हमारे जीवन को कई प्रकार से मोल्ड करना पड़ता है, उसको रेगुलेट करना पड़ता है। और दूसरी प्रकार की समस्या होती है जब हम पूरी तैयारी नहीं किया, इनफ ऑफ मेंटल ट्रेनिंग, मानसिक पवित्रता सफिशिएंट नहीं है, भोग में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और साथ में हम योग भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इससे कुछ नहीं होता। आसन प्राणायाम करेंगे लेकिन यम नियम का पालन नहीं करेंगे तो याद रखिए व्यक्ति आगे अधिक नहीं बढ़ सकता, प्रॉब्लम्स उठेंगे और अंततोगत्वा वो छोड़ देगा। और चौथा है, कुछ लोग
अदर गो टू द अदर एक्सट्रीम, सब कुछ छोड़ दिया। हिंदी लिटरेचर भी नहीं पढ़ेंगे, मित्रों से मिलेंगे भी नहीं, भजन कीर्तन करें वो भी नहीं, बहुत अधिक इंड्रॉन हो गए, गो टू द अदर एक्सट्रीम, बहुत अधिक करने का प्रयत्न तत्काल करना। इस दृष्टि से देखा जाए तो आध्यात्मिक जीवन इतना आसान नहीं। इसीलिए कहा गया क्षुरस्य धारा, छुरे की धार पर चलने के समान। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, सब कुछ बताया गया है, उसके अनुसार आप चलिए तो कोई समस्या नहीं होगी। और चौथी समस्या होती है, और वह यह है कि लक्ष्य के संबंध में, मार्ग के संबंध में और स्वयं की क्षमता के संबंध में हमारी धारणा स्पष्ट नहीं होती। लक्ष्य क्या है क्लियर नहीं है। वैसे जो लक्ष्य है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे लक्ष्य क्लियर होता जाता है, स्पष्ट होता जाता है। प्रारंभ में एक लक्ष्य की धूमिल धारणा लेकर ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह स्पष्टतर होता जाता है और अंत में आगे बढ़ते बढ़ते जब स्पष्ट हो जाता है, कुछ आध्यात्मिक जीवन में कुछ अनुभूतियां होती हैं छोटी मोटी, तब दृढ़ता आती है और बहुत सी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब ये तो मैंने कहा कि ये किस प्रकार से, कारण क्या है बाधाओं के, अब बाधाएं कितनी प्रकार की हो सकती हैं। याद रखिए अगले सूत्र को जिसको हम अभी लेंगे उसमें पतंजलि कई बाधाओं का उल्लेख नहीं करते, अन्य शास्त्रों में अलग अलग प्रकार की बाधाएं बताई गई हैं। आध्यात्मिक जीवन के या योग की बाधाओं का अर्थ केवल हमसे व्यक्तिगत रूप से संबंधित बाधाएं ही हैं और नहीं। यों तो तीन प्रकार की बाधाएं कह सकते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। योग करने बैठे, गर्मी बहुत है और इलेक्ट्रिसिटी खत्म, बड़ी गर्मी, ऐसे में कैसे बैठे, पसीना पसीना हो रहे हैं, एक प्रकार की बाधा, प्राकृतिक बाधाएं, कोलाहल चारों ओर, लोग आकर डिस्टर्ब करते हैं, एकांत नहीं मिलता, या फिर कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर हैं, आप ध्यान करने बैठिए मच्छर तंग करेंगे। बेलूर मठ के मच्छर प्रसिद्ध हैं, बेलूर मठ में आप ध्यान करने बैठिए तो उस मच्छर बिल्कुल सब तरफ से अटैक करते हैं, बड़ी मुश्किल से बैठना पड़ता है वहां ध्यान करने। आजकल तो स्प्रे वगैरह करते हैं तो आप मंदिर में बैठ सकते हैं, पहले लेकिन बैठना लगभग असंभव था। तो ये आधिदैविक और आधिभौतिक, अन्य विभिन्न प्राणियों के द्वारा, जंगल में जाकर रहिए, एकांत देखिए, बड़ा सुरम्य स्थान है वहां जाकर रखिए, आप 7 दिन रहिए, आप देखेंगे यहां तो मच्छर भी हैं और कुछ जानवर भी आसपास आते जाते हैं, सीरियस रहना इतना आसान नहीं है। एकांत गुफा में रहें तो वहां पर सांप भी निकल आते हैं, ऐसे भी कहा दृष्टांत है, स्वामी भूतेशानंद जी का दृष्टांत है, जो हमारे एक प्रेसिडेंट रह चुके हैं, काफी तपस्या की, वहां पर उत्तरकाशी या उत्तराखंड में जाकर एक गुफा में रहते थे, तो एक दिन जब भिक्षा मांगने गए, भिक्षा मांग कर आए तो उन्होंने कहा स्वामी जी आपकी गुफा में तो एक सांप घुस गया, बड़ी मुश्किल है, अब क्या करें। तो ठीक है, क्या 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 करें, देखा जाएगा। वो भी अंदर चले गए और ध्यान व्यान करते रहे, पता नहीं सांप गया था कि नहीं गया था, वो अपना कोई दिक्कत नहीं हुई, समस्या नहीं। आप देखेंगे कि आप जितना भी वातावरण को अच्छा बनाने का प्रयत्न करेंगे कुछ न कुछ समस्याएं वहां पर रहेंगी। तो ये आधिभौतिक समस्याएं हैं और आधिदैविक समस्याएं, प्राकृतिक समस्याएं और विभिन्न जानवरों पक्षियों मच्छरों इत्यादि की समस्याएं। मच्छरों की समस्या तो मैं समस्या, मच्छरों की समस्या को मच्छर काटे तो उसको मैं बाधा नहीं मानता हूं, मैं तो मानता हूं ये कि सहायता है। क्यों, अगर मच्छर नहीं काटेंगे तो आप नींद आ जाएगी आप वो मच्छर आपको जगा के रखते हैं खैर इन बाधाओं की हम बात नहीं करते। आधुनिक युग में हमने बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर लिया है, हम एक एकांत कमरा ढूंढ सकते हैं,
एयर कंडीशन कर सकते हैं और उसको साउंड प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर साउंड प्रूफ न भी होवे तो भी हम ईयर प्लग्स का यूज कर सकते हैं। आजकल तो कई प्रकार के अच्छे अच्छे ईयर प्लग्स हो गए हैं और इसमें कोई दोष नहीं है। ये एक प्रकार की प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं। यह आवश्यक नहीं कि आप कोलाहलमय चौराहा पर ही जाकर ध्यान करें, आप एकांत ढूंढिए। और मेरा यह अनुभव रहा है कि अगर आप वास्तव में एकांत ढूंढते हैं तो कोलाहलमय संसार में, इस चंडीगढ़ जैसे कोलाहलमय जगह में भी आपको कोई एकांत मिल जाएगा, आपको निश्चित रूप से कोई एकांत स्थान मिल जाएगा। सच पूछा जाए तो चंडीगढ़ इस दृष्टि से कई शहरों से काफी अच्छा है। साउंड पोल्यूशन यहां पर संभवतः अन्य नगरों से काफी कम है। मुझे अनुभव है काशी का, काशी अत्यंत बिजी नगरी है, लेकिन मैंने देखा था वाराण अपने सेवाश्रम के बिल्कुल थोड़े पास में 15-20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर एक सुरम्य स्थान, मैंने आपको शायद बताया भी, यहां पर ऐसा स्थान कई तरफ से बंद आप जाके ध्यान कई वर्षों तक किया। और आज भी अगर गंगा के किनारे जाएं, बाहर से तो दिखता है कि बहुत सारे मकान हैं, आप गंगा के किनारे जाएं वहां पर उसको देवालय दिखेंगे, उस तरफ मंदिर हैं 4-5। अब उधर आप बैठ जाइए तो इधर तो बहुत सारे मकानों के कारण सड़क का कोलाहल नहीं है सुनाई देता, और उधर तो गंगा और उसका पाठ, तो वहां भी आवाज नहीं। ऐसी सिचुएशंस अगर आप व्यक्ति समझदार हो, उसको अगर इच्छा हो तो आप देख सकता है आसपास में कहीं भी कुछ मंदिर होगा, देवालय होगा, उसमें छोटा सा कोई कमरा होगा, शांत वातावरण होगा, उसमें जाकर आप नियमित रूप से ध्यान कर सकते। तो ये आधुनिक युग के की कुछ विशेष समस्याएं हैं, साउंड पोल्यूशन और एब्सेंस ऑफ सॉलिट्यूड। इसमें भी अगर व्यक्ति सावधान रहे तो उसको कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। अब इसके अतिरिक्त और भी कुछ समस्याएं हैं। वेदांत के अनुसार तीन बाधाएं या तीन स्टेप्स हैं। मैं ये कहने के बाद में फिर पतंजलि ने जो कहा वो ले लूंगा। वेदांत कहते हैं, वेदांत के अनुसार ब्रह्मज्ञान के लिए तीन लेवल की बाधाएं हैं। पहला है मल, दूसरा विक्षेप और तीसरा अज्ञान। मल यानी तमोगुण, विक्षेप मानसिक चंचलता, और अज्ञान यानी अपने स्वरूप का अज्ञान। मल यानी मन डल है, उसको दूर कैसे करना, निष्काम कर्म के द्वारा। कर्म कीजिए, निष्काम रूप से कीजिए, चित्त शुद्ध होगा, मन आपका एकाग्र होने लगेगा। उसके बाद में विक्षेप, मन की चंचलता कैसे दूर करें, उपासना के द्वारा। उपासना किसी भगवान की आराधना, ध्यान एकाग्रता का अभ्यास। और उसके बाद अज्ञान, जो ज्ञान से दूर होता है। ये एक दूसरा विषय है, ये मैंने एक रेफरेंस आया उस दृष्टि से आपको मैंने बता दिया। अब देखें पतंजलि क्या कहते हैं। पतंजलि की ने एक लंबी लिस्ट दी है, उसे हम पढ़ते हैं। तीसवा सूत्र है, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य। अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व। अनवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित्वानि चित्र विक्षेपाः ते अंतरायाः। एक लिस्ट, लंबी लिस्ट कही गई है। क्या कहा इसमें है, पहला व्याधि, हम एक एक को विस्तार से लेंगे। व्याधि यानी बीमारी, शारीरिक बीमारी खास करके।
आधी और व्याधि ये दो शब्द हैं। व्याधि यानी शारीरिक बीमारी, आधी यानी मानसिक बीमारी, मेंटल इलनेस, मेंटल डिस्टर्बेंसेस। स्त्यान, स्त्यान क्या क्या है? मेंटल लेजीनेस, मेंटल डलनेस। इसका मैं अभी आपको विस्तार से हम बताएंगे। स्थान क्या है इसको हम बताएंगे। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया गया है मेंटल लेजीनेस, कुछ न करने की इच्छा, करना नहीं चाहते, संशय, डाउट, क्या मैं कर रहा हूं वो सब ठीक है या नहीं, इत्यादि इत्यादि। प्रमाद, प्रमाद यानी केयरलेसनेस, आलस्य, फिजिकल लेजीनेस, तंद्रा का भाव, निद्रा का भाव, ढीला ढाला भाव, अविरति, भोग में अभी भी लिप्सा है, वैराग्य का अभाव, अटैचमेंट बना हुआ है, आसक्ति संसार के प्रति बनी हुई है, अविरति। भ्रांति दर्शन, कोई दर्शन हुआ, कोई अनुभव हुआ, उसको हमने बहुत बड़ा अनुभव, छोटा मोटी बात हो गई, कुछ मन शांत हो गया, अच्छी तरह बैठे रहे, बड़ा अच्छा लगा, समझ लिया कि यह समाधि हो गई। भ्रांति दर्शन, दर्शन लेकिन भ्रांत दर्शन, भ्रांति दर्शन। अलब्ध भूमिकत्व, सब कुछ है, ये बाधाएं नहीं है, हम नियम पूर्वक प्रारंभ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज को नहीं प्राप्त कर रहे हैं। पहली, दूसरी, तीसरी सीढ़ी पर पहुंच गए, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, चौथी सीढ़ी पर नहीं पहुंच रहे। अलब्ध भूमिकत्व, अनावस्थितत्व, भूमि प्राप्त हो गई लेकिन उससे फिर फिसल गए। एक पर्टिकुलर लेवल आध्यात्मिक जीवन का, साधना का प्राप्त किया हुआ, वह लब्ध भूमि वह प्राप्त कर लिया, लेकिन अनवस्थित उस पर हम प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहे हैं, हम फिसलवा जा रहे हैं वापस। और ये हुए देहा चित्त विक्षेपाह, ये है चित्त विक्षेप, यानी ये मन को विक्षिप्त करते हैं, चित्त को विक्षिप्त करने वाले हैं अंतरायाह, ते अंतराया, ये जो चित्त के विक्षेप हैं ये ही अंतराय या बाधाएं हैं। जो अंतराय अभाव की बात कही थी, अगर हम नाम जप करें, ईश्वर प्रणिधान करें, तो ये अंतराय धीरे धीरे दूर होते हैं। ये कौन से अंतराय हैं ये गिना दिए, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित्व, ये हुई नौ बाधाएं, ये पतंजलि के अनुसार। और भी आप गिनाना चाहें तो बहुत सारी बाधाएं हैं, मैंने बहुत सारी बाधाओं का आपके समक्ष प्रस्तुत कर भी दिया। अब एक एक को लिया जाए। व्याधि क्या है हम सब जानते हैं, व्याधि क्या है, और याद रखिए अगर थोड़ा सा देखें तो ये जितनी बाधाएं हैं सब हमारे से संबंधित है, बाहर से किसी वस्तु से नहीं। याद रखिए अगर आपके जीवन में कोई बाधा आ रही है, साधना करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि अरे फलाने व्यक्ति के कारण मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरी माता बाधा कर रही हैं, मेरे मित्र मुझे डिस्टर्ब करते हैं, ये नहीं, बाधा हमारी। और जहां कहीं भी आध्यात्मिक जीवन में साधना में बाधा की बात की गई है, वो सब यही कहा गया कि बाधाएं आप में ही हैं, आपकी ही इंडिविजुअल पर्सनल सब्जेक्टिव बाधाओं को ही दूर करने की बात करते हैं, बाहर की बाधाओं को नहीं। और ये सारी बाधाएं याद रखिए तमोगुण प्रभान प्रधान बाधाएं। पहले तो आपको अप एंड अबाउट होना पड़ेगा, एक्टिव होना चाहिए। विक्षेप कहे गए लेकिन चित्त विक्षेप जो है वो थोड़ी सी ऊंची, ये मूढ़ जो चित्त भूमि है उससे संबंधित, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ याद रखिए। प्रारंभ में कहा था कि चित्त की पांच भूमियां हैं, तो ये पहले क्षिप्त और मूढ़ इन दो भूमियों से संबंधित है।
तो यहां पर सबसे पहली क्या है? व्याधि। अब याद रखिए, व्याधि सबके जीवन में आती है, और अगर कोई व्यक्ति भाग्यशाली हो तो उनका जीवन अधिकांश लंबे समय तक अच्छा भी चल सकता है। मैं एज ए डॉक्टर जानता हूं, कई बार लोग 60, 70, 75 वर्ष की उम्र में आते हैं, तो स्वामी जी कभी भी हमारे जीवन में इस बार बीमार हुए हैं लेकिन कभी भी हम बीमार नहीं हुए, बड़े भाग्यशाली हैं। अगर कोई शारीरिक व्याधि न होवे, कोई एक्सीडेंट नहीं होवे, तो बड़े भाग्यशाली। आज के जमाने में जब हमारे आहार में से जिसे औषधि का अंश कहा जाता है वो धीरे धीरे जा रहा है, उपनिषदों में तो औषधि शब्द आता है कई स्थानों पर, तस्मात औषधि उपजायते, यानी वो जो यज्ञ हुआ, यज्ञ से बादल बने, बादल से उसके बाद वर्षा हुई, वर्षा से क्या उत्पन्न हुआ? औषधि। वहां पर अन्न इत्यादि ने औषधि शब्द का उपयोग किया जाता है, और उसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं ब्रीही यवादी, यानी धान और बाकी अन्न। तो औषधि शब्द का उपयोग क्यों किया जाता है? भोजन जो हम करते हैं अगर ठीक ठीक अच्छा आहार होवे, वनस्पति अगर ठीक ठीक होवे, तो आपको सारी विटामिन्स मिल जाएंगे, विटामिन बी, विटामिन ए सब मिल जाएंगे। गाजर में विटामिन ए है, ये जो सहजन की फली होती है उसमें विटामिन ए है, जो हम खाते हैं उसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स मिल जाते हैं। और ठीक ठीक आहार यदि होवे, पुराने जमाने का, यहां तो आजकल तो सब आर्टिफिशियल खाद देते हैं, उसके ऊपर से स्प्रे होता है, तो अधिकांश औषधि का अंश नष्ट हो जाता है। इसके लिए हमको सप्लीमेंट्री मल्टीविटामिन लेने पड़ते हैं, बी कॉम्प्लेक्स देने पड़ते हैं। तो औषधि का अभाव होने के कारण भी व्याधि होती है। तो पहली बात क्या है, ये किसी न किसी रूप में औषधि, ये बीमारी लगी ही रहेगी। आज ध्यान करने बैठे सिर दर्द होने लग गया, पल्स फास्ट हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अगर संयम का जीवन ठीक ठीक न रहा हो, तो अगर कोई व्यक्ति योग का प्रैक्टिस करे तो दिमाग जल्दी गर्म हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसके लिए संयम, विशेषकर ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। तो ये सारी समस्याएं शरीर को सबल ठीक नहीं रखती, और इसलिए कई मात्रा में सबल शरीर अत्यंत आवश्यक है। और हम देखते हैं श्री रामकृष्ण दिखते दुबले पतले थे लेकिन कितना सबल थे। स्वामी तुरियानंद जी लिखते हैं कि उनकी, आप श्री रामकृष्ण का चित्र देखिए, क्लेविकल प्रोमिनेंट, और क्लेविकल क्या, कितनी बड़ी लंबी और स्ट्रांग क्लेविकल दिखाई देती है, ये बोन, कॉलर बोन जिसे बोलते हैं। श्री स्वामी विवेकानंद को देखिए, स्वामी ब्रह्मानंद जी को देखिए, कैसे रोबस्ट थे। स्वामी तुरियानंद जी सदा ऐसे शेर जैसे बैठे हुए हैं। प्रेमानंद जी और योगानंद जी एक दो दुबले पतले थे, बाकी अधिकांश लोग शारीरिक दृष्टि से अत्यंत सबल। तो एक शरीर, सबल शरीर, यह एक अत्यंत आवश्यक अंग है योग का। अब ये शरीर में रोग कैसे हो सकते हैं? दो प्रकार से, एक तो बाह्य कारण और दूसरा आंतरिक कारण। बाह्य फैक्टर्स, आहार ठीक नहीं है, पानी वह साफ नहीं है, कंटेमिनेटेड वाटर है, या फिर प्राकृतिक परिवर्तन हो रहे हैं, अचानक ठंड हो गई, अचानक गर्मी हो गई, ये तो एक तो ये है एक्सटर्नल फैक्टर्स, और दूसरा पावर ऑफ रेजिस्टेंस, ये तो एक सामान्य फिजियोलॉजी की बात है, हमारे मन भीतर कितनी इम्यूनिटी है, उस इम्यूनिटी को हम बढ़ा सकते हैं, उसको हम कई प्रकार से बढ़ा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो इन दोनों को इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि स्वास्थ्य के नियमों को एक योगी या जो करना चाहता है उसको स्वास्थ्य के नियमों का निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि ये पतंजलि कहते हैं कि जप करने से ये बाधाएं दूर होती हैं, तो फिर व्याधि भी क्या दूर होगी? हाँ, व्याधि कैसे दूर होगी? व्याधि दूर होने का अर्थ यह है कि जप से हमारा फिजिकल और मन जो है वो रिदमिक हो जाता है, इससे कई मात्रा में कई समस्याएं जो हमारे इंटरनल रिएक्शंस हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से जप करे
तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है और बेचारे जो साधु होते हैं वो बहुत कष्ट पाते, ऐसा कोई संबंध नहीं है। एक बार मुझसे एक डॉक्टर ने पूछा, बनारस में साधु थे, बीमार थे, कुछ बीमार हो रहे थे, तो अच्छा स्वामी जी आप लोग तो साधु हो, आप लोग क्यों बीमार होते हैं? तो मैंने कहा कि साधु जो शरीर है वो साधु नहीं, मन साधु होता है, शरीर साधु नहीं होता। जो मन साधु होता है, साधुता जो है वो मन का लक्षण है, शरीर तो अपना धर्म पालन करेगा। और कितने लोग हैं, श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, सबको शरीर कष्ट हुए। स्वामी विवेकानंद को कितने रोगों का सामना करना पड़ा, तो सभी को शोर। स्वामी तुरियानंद जी को यो रोग हुआ था, सभी को रोग होते हैं। विशेषकर ईसाई धर्म में रोग को पाप के साथ उसको जोड़ा जाता है। और ईसा मसीह ने क्या किया, ईसा मसीह से संसार के पाप अपने लिए लिए और शारीरिक रूप से उन्होंने सहन किया। श्री राम कृष्ण के गले में कैंसर हुआ तो कहते हैं कि गिरीशचंद्र घोष के पाप सहन करने से हुआ। श्री राम कृष्ण मां शारदा के चरण कोई अगर पापी या अपवित्र व्यक्ति छू देता था तो उन्हें शारीरिक कष्ट होता था। तो कुछ लोग ये मानते हैं, अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं, कि पाप का और रोग का, फिजिकल रोग का किसी न किसी प्रकार का संबंध है। तो जो हो, हम यह समझते हैं कि शरीर में, शरीर के रोग को हम समझते हैं, और शरीर का रोग कई बार योग साधन में बाधा बन जाता है। बहुत से लोग तो इसकी, शरीर की रोग की उपेक्षा करते हैं। और मुझे अनुभव है कि अनेक वृद्ध और वरिष्ठ सन्यासियों की सेवा करने का, एज ए डॉक्टर मैं जानता हूं कि बहुत सारे सन्यासी लोग शरीर की चिंता नहीं करते थे, अधिक नहीं करते थे। और कभी कभी तो काफी बीमारी बढ़ जाती थी, उसके बाद मुझे खबर मिलती थी। मैं जाता था, कहता था महाराज मैं तो यहीं हूं, आप कभी भी आप मुझे इन्फॉर्म कर देते। काफी सीरियस हो गए रात को, तब पता चला निमोनिया हो गया है, 3-4 दिन से बुखार आ रहा है, किसी को कहा नहीं। कभी जाते मिलने के लिए, फिर वो कहते थे, वो अपने सीनियर्स की बात बताते थे कि हम जाते थे, पूछते थे किसी से, किसी ने पूछा कहो भाई कैसे हो, शरीर कैसा है, ऐसे बातचीत में पूछते हैं। देखिए महाराज सब चलता है, शरीर की क्या चिंता करते हैं। तो जो सीनियर जिनसे प्रणाम करने गए, कोई प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है शरीर की इसी तरह ज्यादा, इसकी चिंता नहीं करो। हम लोग दूसरी अति पे चले जा रहे हैं। शरीर की थोड़ी तो चिंता करनी है, लेकिन बहुत नहीं, थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहे, लेकिन बहुत अधिक करेंगे तो उससे लाभ नहीं होने वाला। शंकराचार्य का बहुत प्रसिद्ध एक श्लोक है जो आप लोग यहां विवेक चूड़ामणि में पढ़ेंगे, वहां पर है, शरीर पोषणार्थी सन यह संसार तर्तुम इच्छति, दारुध्याम ग्राहम गृहीत्वा नदी तर्तुम नर्तिम तर्तुम स दुर्मति। जो व्यक्ति शरीर का पोषण करने वाला, शरीर का पोषणार्थी, इतना मल्टीविटामिन खाना है, इतनी कैलोरीज खाना है, इतना व्यायाम करना है, ऐसे रहना है, सारा शरीर के इतना पोषण करते हुए रहता है और सोचता है कि मैं संसार का सागर पार कर जाऊंगा, वह ऐसा दुर्मति, ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो मानो एक मगर बह रहा है पानी में, उसको लकड़ी समझकर, उसको एक लॉग ऑफ वुड समझकर, उसको बैठकर नदी पार करने का इच्छा करता है, मगर तो उसको पानी में ले जाएगा और खा जाएगा। कभी कभी यह भी लगता है कि शरीर की यदि उपेक्षा की जाए, उसकी चिंता न करो, दैट इज द बेस्ट वे टू रिमेन हैप्पी, शरीर ठीक रहता है। दूसरे लोगों की चिंता करिए, सेवा करिए दूसरे लोगों की, आप देखेंगे कि आपका शरीर अच्छा रहता है। और जितना आप सोचेंगे इतनी कैलोरीज खाना, इतना खाना, जितना भोग की प्रवृत्ति होगी उतना शरीर कष्ट दे। तो यह एक व्याधि के संबंध में हमने बात की। दूसरा, एक श्री राम कृष्ण कहा करते थे, जब उनको रोग हुआ तब श्री राम कृष्ण कहते थे, देह जाने दुख जाने मन तो आनंद में रह। और तुरियानंद जी बाद में इस बात को बहुत बार बार उसका उल्लेख किया करते थे, देह जाने दुख जाने मन तो आनंद मेरे। अरे देह का दुख देह जाने,
मन तू आनंद में रहे। और इसको उन्होंने अपने जीवन में ऐसा उतारा कि जब इस ओर अपने गढ़वाल के क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे, अकेले रहते थे, तब काफी रोगग्रस्त हो गए थे, कभी उन्होंने शरीर की चिंता नहीं की। उनका सेवक था, उसने कहा कि महाराज मैं आपका सेवक हूं, मैं आप कंखल हॉस्पिटल में सेवाश्रम में आप सूचना देता हूं। उन्होंने कहा खबरदार, अगर तुमने सूचना दी तो मैं यहां से भाग चला जाऊंगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे थे और बार बार कहते थे देह जाने दुख जाने मन तो आनंद मेरा। तो हमें इतनी ऐसी अतीत न करें, भले देह की उपेक्षा न होवे लेकिन उसे आवश्यकता से अधिक महत्व दे। नहीं तो जिसे कहते हैं पैरानॉइड हो जाते हैं, पैरानॉइड एक वो है कि सर यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है। और कभी कभी देखते हैं तो घर के अंदर 50 प्रकार की कोई बायोकेमिक दवाई है, कुछ होम्योपैथी दवाई है, ये फलानी दवाई है। वी आर ऑब्सेस्ड बाय फिजिकल बॉडी, ये उद्देश्य नहीं। यहां व्याधि से उल्लेख करने का उद्देश्य है कि स्वस्थ रखो अपने आप को, व्याधि से जितना हो सके बचो, लेकिन शरीर को बहुत अधिक महत्व न दो। अब दूसरा है स्त्यान, स्त्यान की बात कही, मेंटल लेजीनेस, चित्त की अकर्मण्यता, चित्त कुछ काम करना नहीं चाहता। उत्तम कर्तव्य का ज्ञान है, यह करना चाहिए। सब पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ा है, बता दिया है कि आपको आध्यात्मिक जीवन इस तरह जीना है, लेकिन मन की अधिकतम अत्यधिक चंचलता के कारण साधना का प्रारंभ नहीं करना, और अगर प्रारंभ किया भी तो उसको लगा नहीं रखना, उसको बनाए रखने की इच्छा नहीं होना। देखिए यहां पर योग पर और पातंजलि ध्यान पर कितने प्रवचन इत्यादि हो गए, इन बातों को कई प्रकार से डिस्कस किया गया। यही आप बताने का प्रयत्न करते हैं, हम लोग विचार करके यह निश्चय करने का प्रयत्न करते हैं कि भाई आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये कन्विक्शन पहले डेवलप हो जावे, और उसके बाद उसमें प्रारंभ कीजिए और उसमें लगे रहिए, वो नहीं होता। यह बात केवल इंटेलेक्चुअल लेवल पर रह जाती है, बौद्धिक लेवल पर हो जाती है, एक दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता, और निश्चय होने के बाद उस पर लगे नहीं रह पाते। इसे कहते हैं स्त्यान। हमारी योग संबंधी रुचि क्या होती है? केवल छोटी मोटी बौद्धिक रुचि, लेकिन योग बौद्धिक विषय नहीं है, वह एक प्रैक्टिकल साइंस। इट इज नॉट मियरली ए फिलॉसफी, केवल प्रवचन की चीज नहीं है, केवल नोट्स लेने की चीज नहीं है, उसको आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। इसके लिए हम या तो समझते हैं कि भाई मैं नहीं कर पाता, इस जन्म में हम सिर्फ सुनेंगे, सुनने से ही अच्छा रहेगा, एक घंटा तो अच्छा बीतता है, बस यहां तक, उससे आगे नहीं। योग भाई इज टू डिफिकल्ट। या फिर सच पूछा जाए तो क्या है, शक्तिशाली मन और स्वस्थ शरीर होते हुए भी सोचना कि मुझसे नहीं होगा। अधिकांश लोगों में समस्या यह है। आप लोगों में किस चीज की कमी है? आप तो सबल है, कोई आप अंधे नहीं है, कोई दुबले नहीं है, रोगग्रस्त नहीं है, कई जवान हैं, कुछ 30 वर्ष की कम की उम्र वाले हैं, कुछ 50 वर्ष की कम की उम्र वाले हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बैठ ही नहीं सकेंगे, थोड़ा करके तो देखिए, थोड़ा बहुत तो कीजिए। अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन हैं, जप है, ध्यान है, भजन कीर्तन है, कई चीजें की जा सकती हैं, कुछ करके तो देखिए। नहीं, मैं असमर्थ हूं, कर नहीं सकता, ये भाव कुछ अंदर मन में गहरा बैठा हुआ है और इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते। इसे कहते हैं स्त्यान, मेंटल लेजीनेस। दूसरा है संशय, डाउट। गीता में भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, अगर संशय है तो कुछ नहीं होने वाला। अब किसके बारे में संशय? वो श्रद्धा
का विपरीत। श्रद्धा को एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहा गया, एक गुण कहा गया, श्रद्धा और विश्वास। नचिकेता की श्रद्धा, और श्रद्धा के बल के वो रमराज के सामने चला गया। श्रद्धा से हम कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी, भवानी पार्वती जी श्रद्धा की मूर्तिमान विग्रह हैं। कैसी श्रद्धा? नारद ने कहा कि शिव जी आपके वर होंगे, उसको बिल्कुल स्वीकार कर लिया, गुरु वाक्य को स्वीकार कर लिया और कठोर तपस्या की, लगी रही, छोड़ा नहीं। वो सप्तऋषि आए, दूसरे लोगों आके कहा कि कैसी मूर्ख हो, अरे उसको चाहते हो, उस वर को चाहती हो कि वर तो वो नंगा रहता है, स्मशान में रहता है, इसके बदले तुम विष्णु को ले लो। उनका नहीं, जो गुरु ने नारद के वचन में सत्य मान दो। तो श्रद्धा, श्रद्धा का अभाव, संशय अपने आप के प्रति, लक्ष्य के प्रति और साधन के प्रति, ये तीन प्रकार के संशय हो सकते हैं। जो लक्ष्य है वो ऐसा है कि ऐसा है, ईश्वर है या नहीं, पहला इतना बड़ा अगर संशय होवे। समाधि जैसी चीज है या नहीं, अगर ऐसा लक्ष्य वो होवे, इसको आप एथिज्म कहिए, एग्नोस्टिसिज्म कहिए। एथिज्म और एग्नोस्टिसिज्म में तो यह है कि मानकर चलते हैं, वहां संशय नहीं है। एथिज्म ईश्वर नहीं, एग्नोस्टिसिज्म ईश्वर होवे लेकिन प्राप्त नहीं कर सकते, अज्ञेय बात, वो ज्ञाना नहीं जा सकता। तो आपने निर्णय कर लिया है तो वहां पर संशय नहीं है, कंक्लूजन आपने गलत कंक्लूजन भी आ गया। असंभावना जिसे हम वेदांत में कहते हैं, असंभावना, ऐसा हो ही नहीं सकता। विपरीत भावना नहीं, ऐसा नहीं, दूसरे प्रकार का है, ईश्वर का स्वरूप ऐसा नहीं है, वो शून्य है, विपरीत भावना। लेकिन संशय क्या, ईश्वर है कि नहीं है, तब न तो आप उस तरफ बढ़ सकते हो न इस तरफ। नायम लोको न परो, भगवान गीता में कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति, उसको न यह लोक मिलता है न परलोक। अरे भाई ईश्वर नहीं है ये मान जावे, आध्यात्मिक साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं पर रहो, मजे करो, खाओ पियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके खाओ पियो मजे करो। अरे पुनर्जन्म नहीं है, ईश्वर नहीं है, अगर ये भी निर्णय हो गया तो इस जन्म में तो मजा करोगे, पर जन्म की बात छोड़। तो जो संशयात्मा है वो इधर भी नहीं है उधर भी नहीं, नायम लोको अस्ति न परो संशयात्मा। क्यों? वो हमारी एनर्जी को नष्ट कर देता है। श्री रामकृष्ण ने एक बड़ा अच्छा उत्तर दिया था। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मेरे को नहीं मालूम, मुझे ईश्वर में विश्वास नहीं, आई हैव माय ओन डाउट्स अबाउट ईश्वर। श्री रामकृष्ण ने कहा अच्छा, ऐसी प्रार्थना करने में तुमको कोई आपत्ति है क्या? क्या कि हे ईश्वर, अगर तुम हो तो मेरी प्रार्थना सुनो, अगर हे ईश्वर अगर तुम हो तो मेरी समस्याओं को दूर कर दो। तो उसने थोड़ा सोचा, यहां डाउट तो है। श्री रामकृष्ण ने उसके डाउट, उसके जो संशय है उसका उपयोग कर लिया। उसने प्रार्थना प्रारंभ कर दी और बाद में वो श्री रामकृष्ण के पास रोते रोते आया और कहा प्रभु आपने मुझे बचा लिया। इस ऐसे उसमें हुआ क्या, एक प्रकार से ईश्वर को स्वीकार तो कर लिया उसने। अगर तुम हो तो किसी को तो एड्रेस कर रहा है, वो किसी को तो एड्रेस कर रहा है, और वो प्रार्थना वैसे भी फलीभूत हो गई। तो संशय एक बहुत बड़ी समस्या है और अधिकांश बहुत से लोगों में है, कभी कभी और खास करके आजकल के लोगों में। वो आते हैं बातचीत करेंगे, उनका डाउट कभी दूर ही नहीं होता, हमारे पास आएंगे, हम लोगों को तो अनुभव है, स्वामी जी आई हैव ए क्वेश्चन, आप बात करेंगे, कुछ प्रश्न उठाएंगे और वो प्रश्न उठते ही चले जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते, एक प्रश्न के बाद दूसरे, एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न। मानो वो समझते हैं अपने आप को कि मैं जब तक पूरा कन्विंस नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं कुछ काम साधना वगैरह नहीं करूंगा, और सच पूछा जाए वे कन्विंस होना भी नहीं चाहते, अपने मन को भ्रमित रखना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते, वो विचार करते रहते हैं, सारा जीवन विचार करते हुए निकल जाते हैं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसलिए
संशय जो है कभी कभी उत्पन्न अवश्य होता है, कई लोगों के जीवन में आता है। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहा करते थे कि संशय जो है वो, किसी ने पूछा भी कि इफ डाउट्स अराइज क्या करें, ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि डाउट्स तो अराइज होंगे जब तक तुमको अंतिम लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाए, तब तक डाउट होते रहें। पूर्ण रूप से डाउट या संशय दूर इतनी आसानी से नहीं होते। और होता क्या है कि आध्यात्मिक जीवन में समस्या यह है कि अगर किसी व्यक्ति में दृढ़ विश्वास होवे, इसीलिए कहते हैं श्रद्धा से आगे बढ़ो, अपने गुरु की ईश्वर में श्रद्धा, ईश्वर है या नहीं हुआ, श्री रामकृष्ण ने कहा ईश्वर है तो बस उसको मान के चलो ना बाबा, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट डिस्कस। और इस दृष्टि से स्वामी अद्भुतानंद जी का जीवन अगर आप पढ़ें तो वहां पे वो इंटेलेक्चुअल बौद्धिकवाद बिल्कुल नहीं था। मास्टर महाशय प्रारंभ में उन्होंने तर्क करने का प्रयत्न किया, श्री रामकृष्ण ने उनको ठंडा कर दिया, डांट के दो एक बार डांट के ठंडा कर दिया। फिर उसके बाद में भले वे प्रश्न थोड़े करते थे लेकिन वो आस्तिक प्रश्न थे, ईश्वर कैसा है, कैसे मिलता है। और हम देखते हैं जब हम शंकर भाष्य इत्यादि पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो वहां पर भी कभी कभी प्रश्न उठाए जाते हैं, वो पूर्व पक्ष उठाया जाता है। एक व्यक्ति प्रश्न करता है, कुछ उपनिषद की बात हुई, उस पर वो कहता है नहीं ठीक बात नहीं, आई डाउट, इज माई डाउट। ये डाउट क्यों है? ये तो उस बात को समझने के लिए आचार्य स्वयं प्रश्न उठाते हैं कि जिस प्रकार इस विचार के द्वारा बात अच्छी तरह बैठ जाए। इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस पद्धति को कहते हैं स्थूणा निखनन न्याय। स्थूणा यानी एक खंबा है, उसको हम गाड़ रहे हैं, तो गाड़ते समय हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा हिलाते हैं, थोड़ा अंदर गाड़ा फिर और हिलाते हैं, इधर उधर इधर उधर हिलाते हैं, और फिर आसपास से खोदते दबाते हैं, फिर हिलाते हैं, हिलाते हैं, फिर इधर, जिससे मिट्टी जम जाए और वो और गहरा दब जाए। तात्पर्य क्या है कि जो बात सत्य है, जो सिद्धांत है, उसको प्रतिष्ठित करने के लिए कभी कभी प्रश्न उठाया जाता है, संशय के रूप में उठाया जाता है। ऐसा संशय नहीं, यह संशय तो एक सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने के लिए है, इसे संतोष मानते भी नहीं है। इट इज ए सॉर्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, उस बात को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करने के लिए। तो संशय में जैसा मैंने कहा कि कई समस्याएं हो जाती हैं, और कभी कभी जब हमारे मन में योग और भोग का तनाव होता है तब भी अनिश्चितता की समस्या होती है साधक के जीवन में, इसलिए संशय बहुत समय तक बना रहता है। जो श्रद्धावान होते हैं उनकी प्रगति तीव्र होती है। श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं श्री रामकृष्ण वचनामृत में कि देखो महिलाओं में प्रगति तीव्र होती है, क्यों? उनमें श्रद्धा विश्वास है, वो आर्ग्यूमेंट नहीं करते, वो मान लिया, गुरु ने मान लिया, उसको पकड़ लेती है बस। तो जिसमें इस प्रकार की बात होवे उसको आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद को काफी संशय की स्थिति से गुजरना पड़ा था। उन्होंने तो यहां तक कहा ईश्वर है कि नहीं, बाद में आखिरी समय तक श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़िए, लास्ट चैप्टर्स में श्री रामकृष्ण के गले में कैंसर है और स्वामी विवेकानंद कहते हैं ईश्वर है या नहीं मैं तो समझता नहीं, मैं नहीं जानता। अगे बात हक्सले की बात कहते हैं और किस वो शोपन पता नहीं और कुछ फिलोसफर्स की बात वगैरह कहते हैं, बर्कले ने ये कहा, हक्सले ने ये कहा, इत्यादि इत्यादि, और उनके मन में काफी उहापोह लगी हुई है, अशांति लगी। तो ये संशय के कारण ये समस्याएं होती हैं, लेकिन सभी को इससे गुजरना पड़ता है। अगर गुरु के वाणी में विश्वास हो, उसको अगर हम पकड़े रहें तो धीरे धीरे अगर आगे बढ़ेंगे तो कुछ जीवन में अनुभूतियां होती। कभी आनंद की अनुभूति हुई, ध्यान गहरा हो गया, कभी कुछ दर्शनादि हो गए, कुछ श्रवणादि हो गए। स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं कि आप 6 महीने तक योग का अभ्यास करो तो आप देखोगे आपको शायद कुछ दर्शन होवे, कुछ दिव्य गंध सुनाए आ जावे, कुछ दिव्य ध्वनि सुनाई देने लग जावे, तो उससे क्या होगा? यह अनुभूति बहुत बड़ी नहीं है लेकिन आपका योग में विश्वास दृढ़ हो जाए। तो इस संशय दूर करने के लिए उपाय क्या है? पहला है एक बार गहरा श्रवण मनन अच्छी तरह करके
उस वस्तु को मन में बिठा लेना चाहिए। इसीलिए शास्त्र का अध्ययन जब करते हैं तो वो जो मैंने अभी कहा स्थूणा निखनन न्याय, बार बार उस विचार को काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट देके उसको दृढ़ करने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा क्या है, अगर साधना में कहीं अनुभूति इत्यादि हो जाए, और तीसरा अगर किसी संशय रहित गुरु या उपदेष्टा या किसी साधु के पास आपको रहने का अवसर मिले तो आपके संशय दूर हो जाए। इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी, स्वामी निर्वाणानंद जी रामकृष्ण मिशन के वाइस प्रेसिडेंट थे, वे कई वर्षों तक स्वामी ब्रह्मानंद जी के सेवक थे, पर्सनल असिस्टेंट, सेवा करते थे, खाना खिलाना, भोजन करना, कपड़े धोना, सब कुछ करते थे। और उनकी बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी रोचक कहानियां हैं, कभी अवसर मिलेगा तो मैंने कभी सुनाई भी है, यहां पर गुरु पूर्णिमा के दिन सुनाई थी, किस प्रकार से गुरु शिष्य को शासन करते हैं और किस प्रकार शिष्य जो है पूर्ण अनुगत रहता है। एक दिन स्वामी निर्वाणानंद जी कहीं बाहर गए थे, शायद रिलीफ वर्क के लिए कहीं पर गए थे, वहां से उन्होंने एक पत्र लिखा ब्रह्मानंद जी को कि मुझे तो शक होता है कि ईश्वर है या नहीं है, एक प्रश्न पत्र लिखा, पत्र लिख दिया उन्होंने। कुछ दिनों बाद उनको एक टेलीग्राम आया, स्वामी ब्रह्मानंद जी से टेलीग्राम आया, कम इमीडिएटली, टेलीग्राम, पत्र नहीं टेलीग्राम, उस समय तो ईमेल तो था नहीं, टेलीफोन भी ज्यादा नहीं हुआ करते थे, टेलीग्राम वॉज द शॉर्टेस्ट फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ब्रह्मानंद जी ने ऑर्डर दिया कम इमीडिएटली, और ब्रह्मानंद जी प्रेसिडेंट, वे तत्काल बेलूर मठ आए, सीधे ब्रह्मानंद जी के पास गए, और ब्रह्मानंद जी उनको देखते ही बोले गए क्या तुम पागल हो गए हो, तो क्या हुआ महाराज, ये तुमने जो चिट्ठी लिखी है क्या ईश्वर है कि मैं जो शंका होता है ईश्वर नहीं, उस संशय को दूर करने के लिए टेलीग्राम दिया, आओ इमीडिएटली, ये किसी बात, ये संशय तो इमीडिएटली दूर होना चाहिए। उनका फिर हम जीवित कैसे हैं, अगर हम ईश्वर को नहीं देखते, हमारे ईश्वर के साथ हमारा संपर्क नहीं है तो हम जीवित क्यों हैं, तुम्हारे दिमाग में ये बात उठी कैसे कि ईश्वर नहीं है। तो ऐसे अगर किसी महापुरुष के साथ रहने का अवसर मिल जावे तो संशय दूर हो जाता, और नहीं तो साधना हमें पूरे प्रयत्न से करनी चाहिए, पूरे अभ्यास करना चाहिए, लगे रहना चाहिए, धीरे धीरे संशय दूर हो जाते। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और कुछ जीवन में प्राप्त नहीं हो रहा, ऐसे भी दृष्टांत हैं, और तब भी संशय उठा। एक साधु ने स्वामी शिवानंद जी से कहा कि महाराज मैं 15-20 साल हो गया यहां साधु हूं, मठ में रहता हूं, ध्यान जब साधना करता हूं जीवन में कोई उपलब्धि नहीं हुई है, मेरा जीवन व्यर्थ गया ऐसा लगता है, क्या करना। तो स्वामी शिवानंद जी ने कहा अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी ठहरो सब ठीक आ जाए, जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद स्वामी ब्रह्मा प्रियत उन्होंने कहा, उसको बुलाया 7-15 दिन बाद कि तुम चले जाओ यहां से। क्या हुआ, जाओ मठ में, हमको तुमको नहीं रखेंगे। क्यों महाराज, जो भी हुआ हो हम तुमको मठ में नहीं रखने वाले हैं, तुम निकल जाओ। बेचारे घबराए थे, महाराज मैं तो नहीं जा सकता, मैं संसार में नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकूंगा, एक दिन भी नहीं रह सकूंगा। तब तो उन्होंने कहा कि यह अनुभूति हुई कि नहीं तुम्हारे जीवन में, यह उपलब्धि हुई कि नहीं तुम्हारे जीवन में कि तुम एक आध्यात्मिक वातावरण में ऐसे बन गए हो, तुम्हारा मन इस उच्च स्तर पर आ गया है कि अब निम्न वातावरण तुम्हें सहन नहीं होता। कुछ न कुछ उपलब्धि आप अगर साधना करें तो अवश्य होगी। इसलिए हमें निश्चित रूप से संशय अगर हो तो उसे प्रयत्नपूर्वक दूर करना चाहिए, श्रवण मनन के द्वारा, किसी एक संशय रहित किसी संत के माध्यम से, या फिर स्वयं साधना के द्वारा उसको दूर करना चाहिए, अन्यथा व्यक्तित्व कभी भी दृढ़ और संतुलित नहीं हो सकता। यह बहुत बड़ी बाधा है संशय की, उसे अवश्य दूर करना चाहिए। तीसरा है प्रमाद,
प्रमाद है केयरलेसनेस, किसी भी चीज में वी आर नॉट केयरफुल, वी आर नॉट केयरलेस। जो चीज निखुद भाव से बिल्कुल ठीक रूप से जैसा करना चाहिए वह नहीं, सभी बातों में ढीले ढाले। इस दृष्टि से विदेशों के लोग दे आर ऑब्जेक्ट लेसन्स, वो लोग कितने जो भी काम करते हैं पूरे मन से करते हैं, कहीं भी केयरलेसनेस का भाव नहीं। भौतिक विषय हो या आध्यात्मिक विषय हो, पूरे मन से पूरे जोर से उसके अंदर टकते हैं। तो केयरलेसनेस का अर्थ है, प्रमाद का अर्थ है लापरवाही। लक्ष्य निर्धारित हो गया, उसके बाद में भी आत्मविस्मृत होकर लक्ष्य को भूलकर ऐसे विषयों में लुप्त रहना जिससे हमारा पथच्युत हो जावे, ये एक प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण चारित्रिक दोष, एक फ्लॉ इन अवर कैरेक्टर। इस दोष का व्यक्ति जिसमें हुआ है, जो प्रमाद है, ध्यान जप आसन किसी भी साधन में पूरे मन से अनुष्ठान नहीं करता, उसका पालन नहीं कर पाता, सभी कार्यों में ढीला ढीला बनत बनत बन जाए, चलेगा चलता रहेगा चलेगा। इसका उपाय क्या है? जो भी काम करें, चाहे नोट्स बनाना हो, चाहे पुस्तक पढ़ना हो, चाहे ध्यान करना हो, चाहे कमरे का झाड़ू लगाना हो, कपड़े धोना हो, पूरे मन से करें, कहीं भी छोटी सी भी लापरवाही न हो, उससे हमारा प्रमाद दूर हो जाएगा। जो प्रमादी व्यक्ति है, जो इस प्रकार लापरवाह है, याद रखिए उसके जीवन में पतन हो जाता है। स्वामी अद्भुतानंद जी के प्रभु बहुत बड़े सुंदर दृष्टांत हैं। स्वामी अद्भुतानंद जी श्री रामकृष्ण के एक शिष्य थे, एक निरक्षर बालक थे, संभवतः एक लो कास्ट के थे, सर्वेंट बॉय के रूप में आ गए, लेकिन वे कैसे थॉरो थे। श्री रामकृष्ण ने उन्हें कहा कि देख, रात को नहीं सोना। श्री रामकृष्ण ने कहा है तो बस रात को नहीं सोएंगे, और दो साल संघर्ष करके उसके बाद अपने ऐसा अभ्यास बना लिया कि रात को फिर नहीं सोते थे, सारा जीवन रात को नहीं सोए। श्री रामकृष्ण ने कहा संध्या के समय कभी कभी वो बच्चे थे, व्यायाम करते थे, खूब खाते थे, और संध्या के समय नींद आ जाती थी। श्री रामकृष्ण ने कहा अरे संध्या के समय तो उठ के ध्यान करना चाहिए। तो आगे के जीवन में एक बार बीमार पड़े, निमोनिया हो गया, डॉक्टर ने कहा उठना नहीं। शाम का समय हुआ कि वह उठकर बैठने लगे। स्वामी शारदानंद जी ने कहा अरे मना किया डॉक्टर ने, तो डॉक्टर क्या जानता है, उनने कहा है। श्री रामकृष्ण ने कहा उठ के बैठ गए, उनको कहा था कि देख शराब की गंध भी तेरे नाक में नहीं आनी चाहिए। तो कलकत्ता में जाते समय रास्ते में शराब की दुकान पड़ती थी, तो उसको बाईपास करने के लिए 3 मील का एरिया करके दूसरे रास्ते से जाते थे। ऐसे थौरो थे, इसीलिए तो संत हुए, प्रत्येक वस्तु में एकदम थौरो। ये यदि हम करें तो यह प्रमाद दूर हो जाए। सत्य अहिंसा ब्रह्म आचार्य आदि और उसके साथ साथ जो छोटे छोटे भी नियम हैं उसको भी सतर्कता पूर्वक करना चाहिए। क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म में, क्रिश्चियन साधना में दो प्रकार के सिंस कहते हैं पाप। एक तो कहते हैं ग्रीवियस सिन, वही बड़ा बहुत बड़ा पाप, चोरी हत्या और सेक्सुअल ऑफेंस एटसेट्रा, और दूसरे होते हैं वेनियल सिंस, छोटे मोटे, हंसी मजाक कर दिया, बातचीत में झूठ बोल दिया, इस प्रकार के छोटी मोटे जो हैं वो वेनियल सिंस, जो पार्डनेबल हैं। लेकिन जो थोरो व्यक्ति होता है, जो प्रमाद नहीं करता, उन छोटो छोटों से भी बचता है। तो प्रमाद रहित होना यानी जो भी साधना का पक्ष लिया जाए उसको पूर्ण थोरो रूप से करना। ये तीन आलस्य संशय स्त्यान व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद, ये चार का हमने डिस्कशन किया है।
अगली बार हम बाकी